नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, साइबर सिटी गुरुग्राम में भाजपा चुनाव समिति की बैठक के दूसरे दिन 17 जिलों की टिकट पर गहन मंथन किया गया। वहीं रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, फरीदाबाद व पलवल सहित 5 जिलों की सीट पर एक दिन पहले ही मंथन किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक सभी सीट पर जिताऊ कैंडिडेट का पैनल तैयार कर 25 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आधा दर्जन मंत्रियों की टिकट पर कैची चलना तय माना जा रहा है। एक या दो मंत्री की सीट बदली भी जा सकती है। मंत्रियों का टिकट कटने के पीछे सर्वे में मिला फीडबैक बताया जा रहा है। सबसे पहले आज इस खबर में बात करेंगे आखिर किन मंत्रियों की टिकट कट सकती है। बेहद विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक हिसार से विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट कट सकती है। वहीं उनके स्थान पर आखिर किसको टिकट मिलेगी इस पर भी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके स्थान पर सावित्री जिंदल को मौका दिए जाने की चर्चा हुई है और उनको टिकट दी जा सकती है। वहीं बल्लभगढ़ से विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा का भी पत्ता कट सकता है। इस सीट से अजय गौड़ का नाम सामने आ रहा है। वहीं फरीदाबाद की बड़खल सीट से विधायक मंत्री सीमा तिरखा का पत्ता भी कटना तय माना जा रहा है। यहां से राजीव जेटली के नाम पर गंभीर तरह से मंथन चल रहा है। वहीं सोना से विधायक प्रदेश के खेल मंत्री संजय सिंह भी कटघरे में है। यहां से सुखबीर जौनपुरिया जो कि भाजपा के पूर्व सांसद है, उनके बेटे अशोक गुर्जर को टिकट मिल सकती है। ऐसे में सोना में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं रानिया से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की टिकट भी लगभग कटनी तय मानी जा रही है। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के टिकट पर भी संकट मंडरा रहा है। वहीं अंबाला सीट से विधायक मंत्री असीम गोयल का टिकट बदला जा सकता है। इस सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित विनोद शर्मा की पत्नी को टिकट मिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अब आपको बताते हैं कि जिन मंत्रियों को पार्टी की ओर से फिर से मौका दिया जाने की बात सामने आई, आखिर किन मंत्रियों को दोबारा मौका दिया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। विश्वास सूत्रों के मुताबिक इनमें सबसे पहला नाम लोहारू से विधायक मंत्री जेपी दलाल का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जेपी दलाल को फिर से टिकट मिल सकती है। वहीं यमुनानगर से विधायक मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी पार्टी तीसरी बार मौका दे सकती है। वहीं पानीपत ग्रामीण से विधायक व मंत्री महिपाल ढांडा को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मौका मिलना तय माना जा रहा है। वहीं भवानी खेड़ा जो कि एक रिजर्व सीट है, विधायक विशंबर बाल्मी को भी पार्टी तीसरी बार मौका दे सकती है। लगातार चर्चा ऐसी चल रही है कि विशंबर बाल्मी की तीसरी बार यहां से टिकट उनको मिलना तय है। एक बार फिर से भाजपा को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं थानेसर से विधायक मंत्री सुभा सुधा की। पार्टी उन पर फिर से विश्वास जता सकती है, हालांकि उनकी टिकट बदलने की भी चर्चाएं लगातार सामने आ रही। वहीं बात करते हैं राजस्थान से सटे आरक्षित विधानसभा सीट बावल की। इस सीट से डॉक्टर बनवारीलाल लगातार दो बार से भाजपा के विधायक है, सरकार में पावरफुल मंत्री भी हैं। बेहद विश्वास सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट का आधार बावल में उनके कद का नेता नहीं होने के अलावा बावल में हुए विकास कार्यों के आधार पर पार्टी व संगठन डॉक्टर बनवारीलाल पर तीसरी बार विश्वास जता सकता है। हालांकि अभी गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत का खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों का यहां तक कहना है कि राव भी डॉक्टर बनवारीलाल के नाम पर अपनी सहमति जता सकते हैं। आपने देखा हरियाणा में किन मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और किन मंत्रियों को फिर से मौका मिल सकता है। वही अब अगले भाग में चर्चा करेंगे आखिर ऐसे कौन से विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है और किन नए चेहरे को मौका मिल सकता है। तमाम इस पूरी खबर में हम चर्चा करेंगे आखिर ऐसे कौन से विधायक हैं जिनकी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार 15 से अधिक विधायकों की टिकट काट सकती है। उनके स्थान पर युवाओं व महिलाओं को मौका दिए जाने की बात सामने आ रही। बताया जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक हुई है लगातार 22 व 23 अगस्त को जो कि आज ही संपन्न हुई, उसमें भी इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। युवाओं व महिलाओं को टिकट दी जाए ताकि जो अगली पीढ़ी है उसको तैयार किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम जिले की चारों सीट की। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के सभी 4 सीटों पर इस बार चेहरे बदले जा सकते हैं। गुरुग्राम सीट से सुधीर सिंगला की टिकट कट सकती है। सिंगला की जगह नवीन गोयल या फिर जीएल शर्मा को मौका मिल सकता है। वहीं पटौदी सीट पर वर्तमान विधायक सत्यप्रकाश जरावता की जगह पार्टी राव समर्थक बीमला देवी को मौका दे सकती है। लगातार इस तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पटौदी सीट सीधे तौर पर राव के खाते में दी जा सकती है। वही सोना की बात, सोना में हम पहले ही बता चुके हैं कि मंत्री की टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट
बादशाहपुर, यहाँ पर लगातार राव नरवीर सिंह चर्चा में है। वहीं मुख्यमंत्री के वशी रहे जवाहर यादव के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव समिति की बैठक में राव नरवीर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं बादशाहपुर में कहीं बेहद कड़ा मुकाबला हो चुका है। अब बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीट है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि बावल विधानसभा सीट से विधायक मंत्री डॉक्टर मनोहरलाल तीसरी बार रिपीट हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पैनल में भी उनका नाम सिंघल ही भेजा गया है, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात करें करीब 4 से 5 नामों का पैनल तैयार किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है जिनमें सिंघल नाम भेजे गए। अब बात करते हैं कोसली विधानसभा सीट की। यहां से वर्तमान विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव एक बार फिर से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन इस सीट से अन्य भी उम्मीदवार हैं जिनमें बात कर राव के पिए रहे रवि यादव, वहीं सीएम के निजी सचिव रहे अभिमन्यु यादव का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 नाम भेजे गए हैं। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष यह कह चुका है कि किसी सांसद के बच्चे को पैनल में नाम नहीं, लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक आरती राव का नाम भी इस पैनल में जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं रेवाड़ी की हॉट सीट रेवाड़ी विधानसभा की। सूत्रों के मुताबिक इस सीट से 5 से 6 नाम पैनल में भेजे गए हैं, इनमें लाभ निवास, वहीं 2019 में बीजेपी प्रत्याशी रहे भाई बेहद कम मार्जिन से आने वाले सुनील मुसेपुर, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर सतीश खोला, प्रशांत रूप सन्नी के नाम भेजने की बात सामने है। वहीं एक महिला के नाम पर भी चर्चा चल रही है। वहीं अलग से राव के पैनल में सुनील मुसेपुर, अनिल रायपुर व अजय पटौदा का भी नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नामों पर गंभीरता से मंथन करने की बात सामने आई है। कल की खबर में हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की सीटों पर, आखिर महेंद्रगढ़ में किसकी कटेगी टिकट, किसको मिलेगा मौका। तब तक के लिए नमस्कार।